नमस्कार बंसल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। हेडलाइंस के बाद चलिए रुख करते हैं खबरों का, और ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर एमपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर छिंदवाड़ा पांडोरणा में भी पानी गिर सकता है। प्रदेश में बारिश के दो सिस्टम एक्टिव है। 11 जुलाई तक आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। खरगोन शिवपुरी समेत कई जिलों में भी बारिश हुई है। बारिश होने से कई जिलों में दिन का टेम्परेचर लुढ़क गया है। पचमढ़ी में पारा 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और कुछ जगहों की, कुछ जिलों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पानी गिरने से सड़कों पर भी पानी भर गया है, मकानों और दुकानों में भी पानी भर गया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर झरने भी फूट चुके हैं। अब ऐसे में ज्यादा पानी गिरने की वजह से सड़कें जो है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, और लोगों को कुछ समस्याएं हो रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर गर्मी और उमस से भी लोगों को राहत मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रंजना, अभी कुछ वक्त पहले तक मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया था, अब मध्य प्रदेश में कैसा मानसून रहने वाला है? देखिए ऋषभ, मध्य प्रदेश में लगातार जो बारिश है वो जारी रहेगी, और प्रदेश भर की अलग अलग जो हिस्से हैं वो बारिश से तरबतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने ग्वालियर और छिंदवाड़ा के साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया है। यानी आज ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, पांडोरना के आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन 11 जुलाई के बाद से एक बार फिर से जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि अभी 7 और 8 जुलाई का भी कहा गया था कि सिस्टम स्ट्रांग होने जा रहा है और इसका असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। हालांकि राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर तो नहीं चला, लेकिन रिमझिम फुहारे लगातार 2 दिनों से हो रही है, और इसके चलते मौसम में ठंडक जरूर घुल गई है। लेकिन ऋषभ, आपको बता दें कि प्रदेश भर में अब तक, यानी 23 जून को राजधानी भोपाल में जैसे ही मानसून ने एंट्री ली है, उसके साथ ही 28% बारिश का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। यानी 28% बारिश राजधानी भोपाल में हो चुकी है, और इसी के साथ ही बीते साल की अगर बात कर ली जाए तो 18% बारिश कम हुई थी। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 106%, यानी सामान्य से ज्यादा जो बारिश है इस बार रिकॉर्ड होगी। तो अभी फिलहाल तो मानसून की शुरुआत हुई है ऋषभ, अभी प्रदेश भर में लगातार आने वाले कई दिनों तक बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और यही वजह है रंजना, आपके पीछे का जो मौसम है वो काफी ज्यादा सुहावना भी दिखाई दे रहा है, और हरियाली भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। एक बार की बारिश में ही पूरा भोपाल भी यहाँ हरा भरा दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां श्योपुर जिले में तेज बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। जिले के बड़ौदा नगर में पिछले 24 घंटे से 13 इंच से ज्यादा पानी गिर गया है, जिससे सड़कों, घरों, स्कूलों, थाना और अस्पताल तक में पानी भर गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग रात भर घरों की छत पर बैठे रहे। एसडीओपी कार्यालय और थाना तक खाली करना पड़ा। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि यहां नाव चलाकर लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा, और नाले के उफान पर आने से यहां बाढ़ की स्थिति बन गई है। श्योपुर का राजस्थान के कोटा और बारा से संपर्क टूट गया है। कलेक्टर और एसपी ने हालात का जायजा लिया है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम बड़ौदा में तैनात की गई है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर श्योपुर की दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में रहवासी इलाके में पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए सड़कों में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तीसरी तस्वीर श्योपुर के किला मंदिर की है, जहां पर कुछ लोग पानी आने की वजह से फंस गए थे, और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया और बाहर निकाला। इसके अलावा बाकी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां नाव चलाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, और यहां सड़कों, दुकानों में भी पानी भर गया है। यहां तक कि यहां पर जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुके हैं, और पुल के ऊपर से भी यहां नदियां बह रही हैं। हालांकि लोग यहां पर रिस्क लेते हुए भी नजर आए, लेकिन प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है और एसडीआरएफ की टीम को भी यहां तैनात किया गया है।